शौक था कि शुरू करे, लेकिन कब करे वो समझ में नहीं आ रहा था, तो कोशिश किया और बहुत सक्सेसफुल हुआ। अजय चक्रवर्ती का शुरू किया, रोनू जी को तकलीफ दे रहे हैं आज, और इज वन ऑफ अवर वेरी प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ अवर वेरी वेरी हाई लेवल शुरू करने से पहले जी चलिए, आपने फ्लूट बजाने का क्यों सिलेक्ट किया कि सिर्फ फ्लूट बजाना है मेरे को? दरअसल ऐसी एक घटना है, मेरे पिताजी प्रोफेशन से तो होम्योपैथिक डॉक्टर थे और बहुत बड़े ऑयल पेंटर थे, डॉक्टर भानु मजुमदार, तो अब है नहीं, तो वो शौक से बांसुरी बजाते थे और पन्ना बाबू के शिष्य थे। तो जब हम लोग बनारस में थे तो वो पन्ना बाबू से दिल्ली में जाके उस वक्त थोड़ा सीखना उनका चालू था, तो जितना सारा दिन पेंटिंग करके होम्योपैथिक का भी संभालना तो प्रैक्टिस करते थे। और मैं 6 साल का था और खिलौना मेरे पास था नहीं, तो मैंने बांसुरी के साथ ही खेलना शुरू किया। खेलते खेलते 5 या 6 बांसुरी मैंने तोड़ डाली। रात को वो आए तो बहुत डर लगा मुझे कि आज पीटने वाले हैं, तो पिटाई तो नहीं हुई, और बहुत मेरे पास आए और बोले कि एक सज़ा तुमको मिलेगा, पनिशमेंट, कि जितना फ्लूट तोड़ा है उतना घंटा फ्लूट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सा लगा दिया उन्होंने होंठ पे और मैं प्रैक्टिस करने लग गया, और उसके बाद गाना भी सीखा, मगर फ्लूट से मैं कभी जुदा नहीं हुआ। गाना सीखा मैंने, और पिताजी क्योंकि कहते थे कि उत्तम गाना मध्यम बजाना, उत्तम गाना मध्यम बजाना, तृतीय नाचना बिकट बताना, सबसे बिकट जो है वो सिखाना है, क्योंकि अपने जैसा किसी को तैयार कर देना बड़ा असंभव जैसा काम है। हमने तो सुना था कि नाचना कनिष्ठ, ऐसा भी उत्तम गाना, वो आपने ठीक सुना था, उसको मैंने बदला, क्योंकि मैं बड़ों से आप छुपा नहीं सकते। देखिए, मैंने सबसे पहले मैं ये बोलूं कि बातचीत तो होगी, एक गुरु के साथ बातचीत हो रही है, ये कोई इंटरव्यू या ऐसा नहीं। इस बैठक के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया जितना आप सब ने कोविड के जाने का इंतज़ार किया, और रिकॉर्ड चीज़ मेरा कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं हुआ कि 3-4 बार कैंसिल होके फिर हो, ये 4 बार कैंसिल होके 5वीं बार हो रहा है। तो ये मेरे पिता है और हम सबके गुरु है, तो ऐसे बैठक तो हम लोग इंटरव्यू देते रहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को, ये वो महफिलें भी होती है, स्पीक मैक, मगर ये जो बैठक है ये पूरे पृथ्वी में आज इसकी चर्चा है, तो मैं खुद को भाग्यशाली और फॉर्चुनेट समझ रहा हूँ कि इसमें मुझे आने का अवसर मिला और कुछ मन की बातें चाचा जी के चरणों में मैं प्रस्तुत करूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बनारस की नम्रता है ये बनारसी बहुत चीज होता है, बनारसी मिजाज है, बनारसी लंगड़ी है, वो पाँव से फंसा के गिरा देते हैं, और बनारसी मिजाज होता है, बनारसी लस्सी होता है, बनारसी बहुत कुछ है, बनारसी पीलू है, मैं सुनाऊंगा। हमने बिस्मिल्लाह खान साहब से सुना था चार आने की नवाबी जी, वाह वाह, हम तो बचपन में उनके घर ऐसे ही घुस जाया करते थे, और हड़हा मस्जिद एक था, अभी भी है, तो उसके पास उनका मकान, और ऐसे ही घुस जाया करते थे और उनसे पीलू सीख लिया करते थे, गा के सिखाते थे, गा के। आप, हम लोग भी बहुत फॉर्चुनेट है कि आप यहाँ आ सके, और आपको आपने टाइम निकाल के यहाँ आप आ गए, यू नो, बिकॉज ऑफ कोविड वी कुड नॉट डू द बैठक। पूर्वी बहन खुद बहुत अच्छी और सुलझी हुई गायिका हैं,
और मेरी छोटी बहन की तरह है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सामने बैठे। आज हम सब लोग बहुत लकी है क्योंकि बनारस की ह्यूमिलिटी फिर बम्बई की ह्यूमिलिटी दोनों सुनने मिली हमको जी। अच्छा, अभी आपने फ्लूट क्यों पसंद किया है समझाया हमको, कैसे रियाज मारपीट करके हुआ वो भी समझाया हम जी। लेकिन ज़्यादा इज इट करेक्ट उसे कि बाम्बू की फ्लूट ही ज़्यादा बजती है, ये जो पीतल की या जो दूसरे मेटल की जो फ्लूट होती है वो आजकल बहुत कम सुनते हैं, सही बात है क्या? बैम्बू फ्लूट जो है, बांस से स्वर निकली तो बनी बांसुरी, ये सबसे when there was nothing in the world, still there was sound. And if there was sound, there was bamboos, because it comes from the forest. Yeah. And when the small insects and pests, they carve hole into the bamboo, when the wind passes through, automatically you feel like many flutes are being played. So that's how the human mankind got the idea of playing bans ki bansuri. तो सबसे प्राचीन, इवन बिफोर लॉर्ड कृष्णा देर वॉज ए फ्लूट, देर वॉज बंसी मुरली, और फिर नेचुरली एज वी ऑल नो इसको क्लासिकल में स्थान दिलाया पन्ना बाबू ने, मेरे पिताजी के गुरु, और बांसुरी हम जो भी बांसुरी बजाते हैं वो पन्ना बाबू को याद किए बगैर बांसुरी बजा नहीं सकते। तो पन्ना लाल घोष जी इसको रागों का स्थान दिलाया उन्होंने, और हम सब उनकी पूजा करते हैं बांसुरी बजाने से पहले, क्योंकि राग बजरा नहीं तो ये लोक संगीत छोटी बंसी मुरली में बजती थी, लोक संगीत ज़्यादा से ज़्यादा भजन के साथ बज गया, तो सीधी फ्लूट भी बजती थी, टिपारा फ्लूट बजती थी, और जोड़िया पावा गुजरात में बजता रहा पावा। तो इसको, और सा का कंसेप्ट भी पन्ना बाबू का है, क्योंकि बांसुरी में कोई भी राग आप बजाएं, या तो वो मध्यम प्रधान होता है या पंचम प्रधान, या फिर इन दोनों के अलावा शुद्ध निषाद से उसको करते हैं जिसमें पंचम और शुद्ध मध्यम दोनों ही नहीं लगते, तो बांसुरी कम से कम पा तक तो जानी ही चाहिए। तो उन्होंने अभी लोक संगीत में ये भी सा हो जाता था, रेग भी कर्नाटक में तो अभी भी ये सा है, कर्नाटक का सा ये है। तो उन्होंने एक सा का निर्माण किया कि तीन फिंगर बंद होगा, तीन खुलेगा तो सा बजेगा, ये उनकी दया है। तो ये अभी भी फ्लूट कहाँ बनती है ऐसी जो करेक्ट, जिसका वो होल का जो हिसाब है वगैरह वगैरह? ये आसाम का जो सिल्चर का जो बैम्बू है वो सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा। हाँ, और सिल्चर से पुराने समय से ये बैम्बूज जो है ये आते थे पीलीभीत, पीलीभीत से तरह तरह के लिमय जी अब रहे नहीं, सबसे सुरीली बांसुरी वो बनाते थे, और ब्लोइंग होल से तीव्र मध्यम होल की जो डिस्टेंस है, तीव्र मध्यम होल से ये धैवत जिसको बंद करने से पंचम बजेगा, ये इसका डिस्टेंस सेम अगर होगा तो बांसुरी सुर में बनेगी। इसका टेक्निक, इसका साइंस ये है। अच्छा, देर आर बेसिकली टू टेक्निक्स, वन इज शहनाई टेक्निक विच पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी प्लेस, दैट इज सिक्स होल टेक्निक, एंड व्हाट वी प्ले पन्ना बाबू टेक्निक इज ए सेवन होल टेक्निक। उसका एक बहुत बड़ा स्टोरी है कि गुरु जी के घर से मुझे निकाल दिया गया, तो वो तो एक ब्लेसिंग हुआ कि वो घर से मुझे निकाल दिए। वो जब मुझे बहुत खुशी है, स्वीकार कट्टी भी आज मुझे लगता है बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, पंडित जी के चरणों में हाजिर है अभी अभी मैंने देखा। और खैर, तो ये जो तीव्र मध्यम लगा तो लेते हैं लोग, मगर उसका इस्तेमाल मेन होल जितना, ये सातवीं होल जो पन्ना बाबू की है उसको थोड़ा डेवलप मेरे गुरुजी ने और भी किया, पंडित विजय राघव राव जी ने, बिफोर आई वेंट टू पंडित रविशंकर जी,
तो वो मापा मादा मापा मानी मापा 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 मादा पादा मादा मापा मापा मानी दानी मापा मापा मासा नहीं सा मापा मापा मारे सारे मापा मापा मागा रहेगा मापा, ये एक इस तरह का बल बोलते हैं वो बल, वो बहुत अच्छा बजाते थे। और मैं छोटा था 11-12 साल का, तो वो मुझसे बज नहीं रहा था, तो वो बोले गेट आउट। गेट आउट जब बोला तो मैं हंसता रहा, तो बोले फिर बोले गेट आउट, तो मैं उठ गया और घर गया। और पिताजी तो 6-hole टेक्निक बजाते थे, क्योंकि वो उनका फिंगर वहाँ पहुँचता नहीं था, उनका ये छोटा फिंगर जो लिटिल फिंगर हम बोलते हैं कानी उंगली जिसको, तो वो थोड़ा छोटा था। तो पिताजी बोले कि अभी तुमको ब्लेसिंग मिला, गुरु का मार और डांट जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ होगा नहीं, अभी ये तैयार करना, उसके बाद ही उधर सायन में जाना। तो उसका मैंने चिल्ला मारा 40 दिन का, और मुझे याद है अच्छी तरह, उल्लासनगर में हम लोग थे, नीचे के बरामदे में मैं रियाज करता था, और ई के फ्लूट में तो हाथ जाता नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल, तो सी के फ्लूट में मैं माँज रहा था। तो 21-22 दिन मुझे सूजन आ गई, स्वेलिंग हो गया, तो फिर उसको गर्म पानी में रख के फिर शुरू किया, क्योंकि चिल्ला बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो फिर वो मुझे लगता है 38th डे वो मापा मापा मादा पादा, वो जो बल मैंने, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो बल आज भी मैं रियाज करता हूँ। ये एक बल है दोस्तों, ये बल तीव्र मध्यम ऐसे ही यूज़ करना तो कि मैं तीव्र मध्यम बजाता हूँ, मगर तीव्र मध्यम बजे सा के फिंगर जैसा, तब उसका मामला जमता है। जो बांसुरी में ऑलमोस्ट असंभव है भैया, असंभव। तो मैंने जब मोड़ के लगाया तो खान साहब मुझे खूब प्यार किए, और एक राग, फिर मुझे दो राग, एक राग का चलन मुझे ठीक करवाया और एक राग सिखाया। तो आपकी तालीम, आपकी तालीम जिस तरह हुई, सबसे पहले किन से सीखे, उसके बाद कैसे हो, फिर रविशंकर जी के पास कैसे गए, वगैरह थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि पिताजी से बांसुरी सीखते सीखते हम लोग 73 में मुंबई आ गए, तो मैं जो पिताजी को आता था एज ए शौकिया, तो वो मैं सीख रहा था। तो यहाँ पर उस्ताद, यहाँ पर बांद्रा में आप जानते होंगे तबले के, दिल्ली घराने के खलीफा इनाम अली खान साहब रहते थे, तबला जी, दिल्ली घराने जी, तो उनके घर में वो पिताजी को बुलाए कि एक पेंटिंग बनानी है। वो हम लोग पहुंच गए, तो उनके ऊपर उस्ताद नासिर अहमद खान साहब तान सम्राट वो रहते थे, बोले ये बहुत खूबसूरत हैं, इनका प्रोग्राम लता जी ने रखा है, आप इनका तस्वीर बनाइए। तो तस्वीर बना के 500 रुपया वो तस्वीर तो उनको दे दी, 500 रुपया लता जी, लता मंगेशकर जी के वहाँ से एडवांस उनको आया, मगर वो ले के दिल्ली बिना बताए निकल गए। अच्छा,
प्रोग्राम तो हुआ नहीं प्रभु कुंज में, और जाते जाते पिताजी को बोल गए कि आपके बच्चे को अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले के पास ले जाना, अच्छा। वो बहुत गुणी हैं। तो हम लोग को मालूम भी नहीं था, तो यहाँ पे मनोहर चिमोटे जी उनके शागिर्द हुआ करते थे, अभी गुजर गए, तो उनसे पिताजी का बहुत अच्छा ये था। तो उन्होंने बोला कि वो तो आश्रम में रहते हैं, घर में रहते नहीं, तो बाबा भगवान दास जी के आश्रम में गए, तो मैं उनसे गाना सीखने लगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे रागों के नॉलेजेबल आपका बेटा कितना ही गा ले, मगर ये बांसुरी पे ही जो भी बंदिश इनको देता हूँ, अभी जोग बहार सिखाया उनका बनाया हुआ एक राग था जोग बहार, तो जोग बहार इसको सिखाया, ये गाता कम है बांसुरी ज़्यादा बजाता है, तो इसको विजय राघव राव जी के पास ले जाइए। तो विजय राघव राव जी के साथ उनके बेटे गिरधर प्रसाद जयपुर वाले उस वक्त बजाते थे, तो उनसे जाके मेरा जो गंडाबंधन का जो पहला जो सुख मुझे मिला, कुछ लिए नहीं गुरु जी, बोले कि पिताजी बोले क्या लाना है, बोले सिर्फ नारियल और फूल लाना है। और फिर हम लोग पिताजी, हम लोगों का अच्छा समय नहीं था, तो 101 रुपया दे के मेरा गंडाबंधन हो गया। बहुत अच्छा। तो अभी जो आपने इनसे सीखा, इनसे सीखा, थोड़ा सा सुनाइए ना जी आराम से। मैं एक राग सुनाना चाहता हूँ। गुरुजी की बात बल की मैंने बताई कि वो इतना स्ट्रिक्ट थे, मगर प्यार भी इतना करते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया से केतकी डोंगरे आई गुरुजी को मिलने के लिए, तो बोले कि से समथिंग अबाउट योर शिष्य, बोले कि लोगों के बहुत शिष्य होते हैं मगर मेरा शेर एक ही है, जब बजाएगा तो फिर यही बजाएगा। मतलब ये गुरुजी के आशीर्वाद है। इसको ऐसी टेक्निक मैंने दी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, कुछ ऐसे भी पकड़ते हैं। सीधी फिंगरिंग जो उन्होंने मुझे दी, उससे क्या हुआ कि कोई चीज़ हाथ में अटकने वाली नहीं थी, चाहे ठुमरी दादरा टप्पा भी, पंजाब घराने की टप्पा भी मैंने सीखी। गुरुजी का बनाया हुआ जो आखिरी राग मैंने सीखा, वो चाचा जी के चरणों में मैं सुना रहा हूँ। नट, शुद्ध नट और हंस ध्वनि का मिश्रण है, और राग का नाम है नट हंस। तो इसका जो अंतरा है वो गुरुजी बनाने से पहले गुजर गए थे, तो अंतरा मेरा बनाया हुआ है। मुखड़ा और मांझा गुरुजी का है, मैं थोड़ा सा आलाप कर रहा हूँ। Thank you.
आराम से उठने का जो एक बाबा रघुनाथ साहब का जो एक वो स्टाइल नहीं कहूँगा, एक जो पद्धति है उसका बंदिश देखिए। ठीक सवाल है कि नहीं, आपने अलग अलग लोगों से सीखा जी, तो उसमें अल्टीमेटली कुड यू डेवलप योर ओन स्टाइल? एंड आई एम टोल्ड ऑल्सो दैट आपका फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी काम आपने किया है जी, तो फिल्म इंडस्ट्री की भी जो एक लहर है उसकी भी असर आपके ऊपर हुई है, ये सही है या क्या मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। एकदम बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है चाचा जी का, वो पिता समान है तो उनके प्रश्न में एक बहुत गहराई और इंसाइट्स होते हैं और उसका जवाब देना चाहिए ईमानदारी से। वन, देखिए फिल्मों में तो शांता प्रसाद जी ने भी बजाया, रईस खान साहब ने बजाया, ये हुआ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बजाया, और मैंने और हरीश जी ने एक साथ कई गाने बजाए अर्ली 80s में, एक माइक पे खड़े होके मैंने और हरी जी ने फेमस तारदेव में बजाया। खैर, तो इसमें कलाकार को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रंग इतना अच्छा भी है फिल्मी रंग, मगर वो
वायरस के जैसा भी है थोड़ा, आई एम सॉरी टू, मैं खुल के थोड़ा बोलूँगा, तो वो आपका राग रेंडरिंग के वक्त वो आ जाने का बहुत डर होता है। जॉनर के साथ न्याय करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कलाकार के लिए कि वो जॉनर के साथ न्याय करे। तो फिल्मों में बजाने से अलर्टनेस बढ़ती है और कम समय में अपनी बात कहने की कला तो आती है, मगर आपके, मुझे ये, मैं शुद्धता मैहर मैहर का दान है ये कि मैंने रागों को बजाते वक्त कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा ही नहीं कि मैंने कभी फिल्म स्टूडियो में एंट्री भी किया और हजारों गाने मेरे सुपरहिट बजाए हुए हैं, या मैंने आरडी बर्मन, यहाँ तक कि नौशाद के साथ भी मैंने बजाया, नौशाद साहब भी मुझे बहुत प्यार करते थे छोटा था मैं। तो ये जॉनर का फ्यूजन के लिए भी मैं कहूँगा कि फ्यूजन बिकम्स कन्फ्यूजन इफ द आर्टिस्ट इज नॉट ट्रेंड इन सम ट्रेडिशनल जॉनर और सम ट्रेडिशनल म्यूजिक, आई वुड से जॉनर इज नॉट द राइट वर्ड। सो व्हाट हैपेंस, फ्यूजन बजाते 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 यू आर इंटेंटेड टू गो वेरी ब्लास्टिंग काइंड ऑफ साउंड, देयरफॉर क्लासिकल ऑडियंस कैन नॉट एंजॉय योर वेरी लाउड म्यूजिक बिकॉज यू कीप सेइंग द साउंड गाय रेज माय वॉल्यूम बिकॉज योर ईयर्स आर वेरी मच इनटू फ्यूजन और से बॉलीवुड काइंड ऑफ ब्लास्टिंग साउंड। सो साउंड इज ऑल्सो ए वेरी बिग फैक्टर वेयर यू हैव टू सी वॉट इज द साउंड लेवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड वॉट इज द गेन, बोलते हैं हम, गेन कितना बढ़ना चाहिए राग संगीत में, उसका भी थोड़ा कला होना चाहिए कि हम फ्यूजन बजा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कि हम राग बजा रहे हैं। तो मैंने, आई हैव बीन लक्की, आई वेरी प्राउडली और हम्बली आई से चाचा जी दैट मुझे असर नहीं हुआ। फिल्म जब बजाया मैंने तो बहुत सक्सेसफुली मेरा नाम था और आज भी कुछ लोग बुलाते हैं, मगर मेरे को, मुझे कभी शास्त्रीय संगीत से उसका मिलाप मैंने किया नहीं। एक सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जितना भी इतना पलटा बजाओ, 5,000 पलटा बजाओ, ये करो वो करो, सब उस सुबह उठ करके आवाज़ लगाओ तो आवाज़ अच्छा हो जाएगा ये वगैरह, लेकिन फ्रॉम माय ओपिनियन आई फील एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन एंड नथिंग इज टुडे प्रिस्क्राइब्ड अबाउट द कंटेंट, क्या बजाना उसके बारे में आपका कुछ कहना है? बहुत सुंदर बात है कि कंटेंट को सोचे बिना जब हम चिल्ला मारते हैं या रियाज करते हैं तो एक तरह का डिसऑर्गेनाइज्ड एटीट्यूड होने लगता है। रियाज जब तक सोच के नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा कभी भी। पलटे का रियाज एक तरह का रिजल्ट देगा। स्वर साधना, अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि सुर का रियाज कैसे करें, अरे सुर का रियाज तो सुर में करेंगे, बेसुरी का रियाज तो बेसुरे से करेंगे। सुर का रियाज कोई प्रश्न ही बचपने का प्रश्न है कि सुर का रियाज कैसे करें, सुर का रियाज तो सुर में करेंगे ना, तो बेसुरा तो नहीं करेंगे। स्वर साधना बांसुरी में तो वोकल की तरह ही है, जो लंबे लंबे स्वर हम लोग लगाते हैं। हाँ, बांसुरी में एक चीज़ होता है कि हमें अलग से भैरवी थाट का रियाज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि भैरवी के लिए कोई पर्दा नहीं है, और आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्दा तो सरोद में भी नहीं है, मगर सरोद में फुल वॉल्यूम तो कोमल रे में मिल जाता है। इसमें वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि आधा छेद बंद करके कोमल स्वर निकालते हैं तो आवाज़ दब जाती है, तब फूक को लाउड करके उस कोमल रे को सा के बराबर के साउंड तक
लाना पड़ता है, तो हमें भैरवी का रियाज थोड़ा अलग से सिद्ध करना पड़ता है ताकि जो कोमल नोट के राग है वो सफरिंग ना हो जाए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज फ्लूट वालों को मैं कहता हूँ, जो भी अभी जूनियर है मेरे से, तो मैं तोड़ी, भैरवी, बिलास खानी, भोपाल तोड़ी, ये जो राग जो बांसुरी में बचते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा कम बचते हैं, रेयर, छूते नहीं है कलाकार डर के मारे इन रागों को, तो उसको सिद्धि उसकी अलग तरह से करनी चाहिए, मैं करता हूँ और मैंने किया। नहीं, मेरा जो सवाल था वो ये था कि अब जो थोड़ा सा मेरे को खुद की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि हमने चार किस्म के पलटे बनाए हैं। एक तो अलंकारिक पलटा है, दूसरा तानवाचक पलटा है, वाह, तीसरा रागवाचक पलटा है जी, और चौथा भाववाचक पलटा है जी। ये जो चारों किस्म के पलटे जब स्टूडेंट बजाते हैं, भाव लाओ, अरे बस भाव कैसे लाओ वो तो बताओ, तैयार बजाना वो तो रियाज करते हो आप, तो तैयार बजाते हैं, सब 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 ठीक है, लेकिन जहाँ तक जो एक दिन आमिर खान साहब आए थे तो वो कि क्या बजा रहे हो, और मैंने बोला आजकल बिहार की तालीम है, तो मैंने साथ से फिर पंचम पे गया, बोले ठहरो, पंचम पे क्यों गए, ऐसे ही गए, अरविंद भाई गाने बजाने में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर एक श्लोक के पीछे मतलब होना चाहिए, साकी जमीन तो बना ही नहीं। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही मेड, वाह वाह वाह, कि साकी जमीन तो बनाओ पहले, जिसमें से छह सुर निकले हैं वो फाउंडेशन है। तो ये इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या बजाना, उसके ऊपर बहुत ध्यान आजकल कम है, बहुत कम है, पेशेंस है ही नहीं, पेशेंस के बिना जल्दी जाना चाहते हैं और बोलते हैं सक्सेस कैसे मिलेगा। तो मेरा बोलना होता है कि सक्सेस की तो बात आपने की, सब्जेक्ट की बात तो की ही नहीं, तो सब्जेक्ट के पीछे भाग नहीं रहे, सक्सेस के पीछे भाग रहे। थोड़ा फनी है बात, बोलते हैं ऑटोग्राफ लेते लेते थक गए, अभी ऑटोग्राफ देने का मन कर रहा है, तो मन कर रहा है। ऑटोग्राफ का स्पेलिंग भी नहीं मालूम आज तो। ऑटोग्राफ का स्पेलिंग, ऑटोग्राफ तो ग्राफ नीचे जाएगा, थोड़ा ग्राफ में कमी आएगा, जल्दी ऑटोग्राफ देंगे तो थोड़ा मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ कि यू हैव सो मेनी डिफरेंट बांसुरीज, ज़रा हमको उसके बारे में कुछ आप बोल सकते हैं प्लीज़। जी, एक तो बांसुरी में मंद्र सप्तक का जो आलाप, जो बीनकारी अंग, जो चाचा जी ने पहले पूछा कि कुड यू मेक योर ओन स्टाइल, यस, क्योंकि मैंने खैर वो स्टाइल में बाद में जाऊंगा, तो मंद्र सप्तक के आलाप के लिए ए का बेस तो पन्ना बाबू ने बनाया ही था, ऐसा नहीं कि मेरा कंट्रीब्यूशन है वो, मैंने उसको छः होल पूरा करके ये जो बांसुरी बनाई, इसका नाम मैंने रखा शंख बांसुरी, क्योंकि अभी पूरे 99, आप लोग तो फ्लूट प्लेयर हैं जानते हैं, 99% ऑफ द फ्लूट स्टूडेंट आर प्लेइंग माई फ्लूट एंड दैट इज़ कॉल्ड शंख बांसुरी, और तो ये नीचे के मंद्र सप्तक के साथ तक चली जाती है, और ये जो पन्ना बाबू ने सा सेट करके जो हमें ई का बांसुरी दिया, इससे रिलेटेड ये ए का बांसुरी है, और हम सारे फ्लूट वाले एक छोटा फ्लूट इसीलिए रखते हैं कि लोक संगीत का वाद्य है ये, तो लोक संगीत से ये दूर कभी होना नहीं चाहिए, और इस वजह से कभी कभी जो लोक संगीत का फरमाइश आता है या कजरी हम लोग बजाते हैं बनारस का जो हमने सीखा, तो ये छोटी फ्लूट पे बजाते हैं, तो वो जो फ्लूट का बंसी का जो आनंद है वो थोड़ा दुगना हो जाता है, जो लाइट हम लोग सेमी क्लासिकल कुछ बजाते हैं, ठुमरी बजाते बजाते एकदम से हम कजरी में चले जाते हैं, तो उसमें जो नृत्य का जो एक आनंद है, तो वो ये छोटे बांसुरी ई का ही छोटा है ये, तो ये सुविधा सिर्फ बांसुरी में ही है, क्योंकि आप शहनाई प्लेयर को भी नहीं देखेंगे कि वो पूरा सेट लेके जा रहा है, या सितार में कि भाई तीन ऑक्टेव के तीन सितार अलग हैं, ये सुविधा सिर्फ बांसुरी में ही है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग तीन ऑक्टेव का तीन बांसुरी तो रखते ही हैं, और एक मिडिल मैंने रखा है कि आज क्योंकि बैठक है तो अगर कोई बल
इसमें नहीं निकले तो मैं इसमें पंजाब का कोई बल अगर बजाऊं तो इसमें मैं बजा सकता हूं, पंचम को सा करके, जिसको हम लोग मूर्छना भेद कहते हैं। तो मूर्छना से वो सिद्ध हो जाता है कि मूर्छना से ये बल निकल सकती है, नॉर्मल सा से नहीं निकलेगी। तो मूर्छना से फिर वो सितार की तरह ही हम लोग आ जाते हैं। ये अच्छा आपने समझाया, क्या आपको इसमें ठीक नहीं और दूसरी बांसुरी उठा ली, हम दूसरा सितार नहीं उठा सकते। जी सर जी, आप लोगों का ऐसा रियाज है, क्या बात है। नहीं तो अभी एक सवाल जरा सेंसिटिव है। ऑफ कोर्स, महियर घराना ज़्यादातर ध्रुपद ढंग से बेस्ड है ऐसा लोग कहते हैं जी, और हमारे विलायत खान साहब का जो है यक्षालम के हिसाब से ज़्यादा एकदम। अब दोनों ग्रेट प्रणाली का है, अभी आपने दोनों को मिक्स किया है कि महियर के तरीके से ही चलते हैं आप? मैं महियर के तरीके से ही चलता हूँ, क्योंकि जो ध्रुपद बीनकारी अंग जो है वो महियर का जान है। अब ऐसा कोई म्यूजिशियन सिर्फ वाद्य यंत्र बजाने वाला नहीं, वोकलिस्ट भी ऐसा कोई म्यूजिशियन शायद ही दुनिया में होगा जो विलायत खानी बाज से कुछ लिया नहीं होगा, अब मुझे तो नहीं लगता। तो मैं बजा के दिखाऊंगा, मैंने भी उसमें से कुछ लिया है, और कुछ सितार वाले इसीलिए बहुत प्यार करते हैं मुझे, जैसे शाहिद भाई हैं, तो शाहिद भाई के साथ कुछ जुगलबंदी में उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छा एक तारीफ किया, वो जो देश मल्हार जो शुद्ध गंधार से भी हो सकता है, जो अली अकबर खान, उसमें अली अकबर खान साहब से जो मैंने लिया, तो उसमें एक बात ऐसी मैं जाता हूँ जो बांसुरी में कोई बजाते नहीं, मगर वो है मैहर की नहीं, वो विलायत खान साहब की है। तो ऐसा बल तो कभी मैहर में गया नहीं, ये कितना मुश्किल है ये बांसुरी में निकालना। सारी सारी रात मैंने उसको कोशिश किया, जब मैंने देखा कि वो देश में खान साहब जाते हैं ऐसा बल एक ही स्ट्रोक पे जाते हैं, और क्योंकि सितार से बहुत क्लोज मैं रहा तो सितार के टेक्निक वगैरह से भी मैं परिचित हूँ, तो वो इतना मुश्किल है सितार में वो बल जाना, मगर वो उससे भी मैंने लिया, और उससे लेने की वजह से जो बीनकारी अंग में मीड़ घसीट आंदोलन का इतना अच्छा प्रयोग होता है, जो बांसुरी में एक बड़ा एक टिपिकल स्टाइल सेट हो गया था, मैं उसके दूसरा रास्ता में चला कि मैं ये ऐसे नहीं बजाऊंगा, और सोच के नहीं वो बनता चला गया मेरा। हाँ एक बात ज़रूर है कि कुंवर श्याम गोसाई घराने का जो की जो बंदिशें हैं और जो कुछ बल है, निजरेगा रेजरेगा मगा रेगा मामा मगा मा पदा मामा मामा मगा 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 रेगा, ये जो लक्ष्मण प्रसाद जी जाते थे, तो ये कुछ बल मैं और कुछ आलाप के छूट की कुछ बातें मेरे बजाने में आई जाती है, क्योंकि मैंने उनसे गाना सीखा, और बंदिशें तो उनकी इतनी फेमस रही कि मधुकर पेडनेकर जी और चिमोटे साहब सो छोड़ के कोई उनके साथ बजाते नहीं थे, और तारानाथ राव तबले में होते थे। तो ये बात तो चाचा जी इतना है कि आपके घराने से लिए बिना तो काम नहीं चलेगा, मगर नहीं ये सच बात है, क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है लेफ्ट हैंड की, उसमें जो गाने की जो महीन बातें हैं, कर्लिंग बातें हैं, वो मैंने बहुत ली हैं और मेरे बजाने में आती है, और सिर्फ ठुमरी में नहीं रागों में भी। सवाल है, जहाँ तक मैंने समझा है, इनवर्ड लुकिंग एंड आउटवर्ड लुकिंग दो तरीका होता है बजाने में, आंखें बंद करके भी बजाते हैं, आंखें बहुत ज़्यादा खोल करके भी बजाते हैं, तो एक म्यूज़िक इंट्रोस्पेक्टिव होता है और दूसरा ज़रा गोइंग आउटवर्ड। तो अभी आप कौन सा म्यूज़िक पसंद करते हैं?
मैं इंट्रोवर्ट होके बजाना पसंद करता हूँ, इसीलिए मेरी आंखें तो बंद होती हैं। हाँ, ये जरूर मैं बीच बीच में देख लेता हूँ कि हॉल खाली तो नहीं हो गया। पहले तो फुल हो गया है, अभी है कि नहीं। ऐसा मैं कभी कभी देख लेता हूँ चोरी से, मगर हाँ, मैं अंदर जाना होता है मुझे तो इंट्रोवर्ट, जो इनवर्ट जो आप कह रहे हैं वही संगीत है। इंट्रोवर्ट मत कहिए, इनवर्ट कहिए। इनवर्ट, जी जी, इनवर्ट होके वो जो है इंट्रोवर्ट होके बजाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब मुझे क्षमा करिए। नहीं, क्यों, ये फ्रेंकली अभी जो आपने पंचम सुर गंदा लगाया, बहुत सुर में लगाया, और सही बात ये है, बहुत ज़माना पहले की ये बात है, एक बहुत बड़े कलाकार ने खाली सा लगाया प्रोग्राम में, मेरे साथ आदमी बैठा था, बोले मालकोस गाने वाला है, जरा इमेजिन करिए, खाली सा लगाया है और उसमें एक ऐसा कुछ अंदाज था उनका। नाउ दिस इज समथिंग, एक दैवी चीज है, दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति है। हाँ, तो अभी यही एक दूसरे एग्जाम्पल जो है, कलाकार बजा रहे थे, एक आदमी बहुत समझदार आदमी लेट आया, तो बोले कि यहाँ तो यमन की छाया मेरी छांट मेरी ऊपर आ गई जब रूम में आया तो ये जो सिचुएशंस है अभी, मीनिंग नो ऑफेंस टू यू और सॉरी फ्लूट, आजकल इतने अच्छे अच्छे फ्लूट प्लेयर्स क्यों नहीं बनते हैं? वही है कि सक्सेस चाहिए, सब्जेक्ट नहीं। तो मेरे भी शागिर्द बहुत कम है इसीलिए, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि सा का आंस देखो, सा का प्रैक्टिस करो, तो वो चाहते हैं कि अच्छी अच्छी तिहाई हमारे, अच्छे अच्छे क्लैपिंग ले, उसका लिए बोलते क्लैप आइटम भी बोल के कोई चीज़ है क्या जिससे क्लैप मिले? तो मैंने बोला क्लैप तो ऐसा है कि किसी चीज़ का जब बहुत अच्छा बिल्डअप होता है तो क्लैप आ जाता है, तो क्लैप आइटम बोलने से थोड़ा हंसी भी आती है और जल्दी आगे बढ़ना है चाचा जी, तो ये इसीलिए नहीं निकल रहे हैं। और आलाप में आर्टिस्ट के डेप्थ का मालूम पड़ता है जब वो आलाप करता है किसी राग में, कितना स्टोरी लिखना पड़ता है आलाप में, दुख है, खुशी है, रिजेक्शन है, आपका मन का दुख बोले बगैर आप इंस्ट्रूमेंट से साज को रोने दीजिए तो साज बोलेगा कि आप दुखी है, आपका दुख निकलेगा वो राग से। कैसा जिला काफी बांसुरी में बजता नहीं है, क्योंकि बजाते नहीं हम लोग तो बजता नहीं है। मैं अमेरिका में टूर कर रहा था स्वपनदा के साथ, एक मेरा सीडी रिलीज होना था, बजाए तो बोले वहाँ से न्यूयॉर्क से हम पूरा जाना पड़ता है ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, तो न्यूयॉर्क से नेचुरली 6 घंटे फ्लाइट लेके मैं और स्वपनदा पहुँच गए सैन फ्रांसिस्को। तो बोले तुमको यहाँ ये तो मालूम है ना, म्यूज़िक का जगह है। मैं बोला हाँ मुझे मालूम है। बोले यहाँ पे जाकिर भाई का है, यहाँ पे अली अबर खान साहब का है, मैं भी उधर कॉलेज में सिखाता हूँ, तुमको कुछ चाहिए तो बोलो। मैंने बोला खान साहब के साथ एक दिन दे दी, मेरा एक दिन अगर मिलेगा तो। बोले मिलेगा। एक दिन मिल गया, उनके हाथ से बना हुआ खाना मैंने खाया, सोचिए आप, नॉनवेज ऐसा बनाते थे। फिर बोले अभी क्या बजा रहे हो? तो मैंने बोला राग नागा स्वरावली बजा रहा हूं। बोले वाह बजाओ।
बजाया मैंने। अभी इसका स्केल देखिए, बड़ा पापा। तो बोले ठीक है, तुमने ये राग तो बजाया, अभी इसका नॉर्थ इंडियन रूप कौन देगा? इसमें तुम साउथ का स्केल लेके बजा रहे हो तो ये राग कैसे हो गया? सी का फ्लूट लाया तुम? मैंने बोला जेठू मुझे मालूम है आप सी में बजाएंगे, मैं सी का फ्लूट लाया हूं। बहुत खुश हो गए। तो एक चलन में उन्होंने मुझे वो राग बजाने की हिम्मत दे दी। वो चलन इतना सुंदर है, बोले ये राग में स्केल नहीं बजाना, राग बजाना, स्केल बजा रहे हो तुम, ये राग को तो ये मेल करता में से कुछ को मेल करता तुम बजा रहा है। अभी एक्रोबेटिक्स तुम करोगे, पास से गा कितनी तरह से जा सकते हैं वो ही दिखाओगे, राग का आनंद तो नहीं होगा। सा ग म प द स सा द प म ग स म ग प, ये उन्होंने दिया। सा म ग प त द म म प द द म द म ग प, ये राग हो गया। अभी तक स्केल था, तब से वो राग मैं बहुत जगह बजाता हूँ और लोग सोचते हैं कि ये अजीत पाठक के बड़े भाई के प्रोग्राम में मैंने बजाया, लोग रो रहे थे। बोले ये राग में जब भी सामा गा पा सा रा मा ये करते तो आंख में आंसू आता है। तो ये ऐसे लोगों का दर्शन हमने किया। देखिए फिर उसके बाद धैवत में कैसे जाएगा। Thank you.
गुस्ताखी करूं थोड़ी सी? आपको सिखाइए आप। ये राग जो आपने बजाया उसका चलन बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके दिल से एक बात निकलती है, वो निकल नहीं निकले वहाँ तक वो राग की मजा नहीं आएगी। आपका फूंक में ही एक भाव है, आई कैन सी दैट। सची मैं सची कह रहा हूँ, आपका आशीर्वाद है। वाह वाह वाह, सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिल गया। सुर में तो बजाते हैं लेकिन उसके पीछे एक भाव होता है ना, एक भाव होता है। मैंने अभी बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा। ये राग तो एक अलग चीज है, लेकिन खाली पर गंदार पंचम ऐसा लगे कि और नहीं कुछ सुनना है मेरे को, है ना। बहुत बड़ी बात। आप लोगों से एक चाचा जी का एक जेस्टर और एक डिमांड शेयर करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले 90s में एक प्रोग्राम में मुझे इन्होंने चांस दिया और सब लोग अपना राग सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो अगर राग नहीं करेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। तो मुझे पूछा तो मैंने दो चॉइस दिया, भूपकली और देसी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम देसी बजाओ, कोई बजाता नहीं है, ये राग आसान नहीं है। तो सर पे हाथ रखा उन्होंने, बहुत खुश हो गए कि देसी ट्राई करेगा ये बच्चा। आज 30-35 साल हो गया इस बात को, मैंने देसी बजाया था, अनीश प्रधान तबले में थे। तो देसी का तालीम अलग है, उसको समझना भी थोड़ा, दो दैवत वाला भी देसी होता है, एक दैवत वाला भी होता है, दोनों से भी होता है, दोनों से भी, मैं दोनों करता हूँ, दोनों से भी होता है। यस यस, अभी वी विल हैव अ ब्रेक फॉर द फूड, बट बिफोर दैट आप जरा, क्योंकि हम लोगों ने, वी डोंट हैव सो मच नॉलेज अबाउट फ्लूट एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्लूट एंड सांस का बैलेंस और कैसे आप श्रुतियाँ निकालते हैं, यू नो, फॉर ईच डिफरेंट रागस, उसके लिए आप थोड़ा, इफ़ यू कैन जस्ट डेमोंस्ट्रेट लिटिल बिट। हाँ, श्रुतियों को छूना, जैसे कि आप लोग जानते हैं मारवा में, ये मारवा का समय है, मारवा में एक रे पे रे चढ़ा होता है, एक श्रुति मारवा में, और ऐसा भी बोलते हैं कि मारवा, अगर ठीक से मारवा की श्रुति नहीं लगी तो मारवा फ्लॉप भी चला जाता है स्टेज पे, लोग बोर हो जाते हैं। अगर उसका श्रुति ठीक लग गया तो फिर वैसा प्रोग्राम भी जमेगा नहीं कोई दिन, ऐसा उस दिन प्रोग्राम होगा। इसीलिए मारवा बजाने से पहले बहुत देरी से मैं चुप हो जाता हूँ और शांत होके मारवा को सोचता हूँ। तो इसकी जो श्रुति होती है वो फूंक से निकाली जाती है, क्योंकि फिंगर का जो मूवमेंट है वो कभी कभी एक दो श्रुति ज़्यादा भी ये कर देता है। और मुझे रविशंकर जी के पास, जब मेरे गुरुजी मुझे ले गए कि ये बच्चा मैं आपको दे रहा हूँ, 1981, वो बड़े गुरुजी हम लोग बोलते थे, वो म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहे थे एशियाड के सॉन्ग का, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। तो उसमें मेरा बजाने में वो खुश हुए, नोटेशन भी लिखता था मैं। तो उनके पास जब बैठने लगा तो मॉस्को में, मॉस्को भी गया मैं, तो मेरा जन्मदिन था 22 जून। बोले कल सुबह मेरे पास आओ और अकेले आना। तो मैं बहुत डर गया, मैंने सोचा अकेले आना मतलब कुछ गलती तो हुई है जिसका अभी बहुत बड़ा सजा मिलेगा। कुछ मैंने ऑर्केस्ट्रा जो कल हो रहा था, विश्वमोहन भट्ट जी, हम सभी गुरु भाई लोग बैठ के कुछ हुआ, वेल कटिंग इनटू शॉर्ट सुबह चला गया। तो बोले कि तुम्हारा ड्यूटी बहुत है बांसुरी में। मैंने बोला गुरुजी मैं तो कर रहा हूँ। बोले कर क्या रहे हो, तुमको मालूम है कि बीनकारी अंग का ड्यूटी ये कंधे पे उठाना कितना मुश्किल है। तो वो उनका जो नीचे के तार में वो बजा रहे थे रामकली, सितार लेके ही बैठे हुए थे,
तो बोले ये जो मैं ये कर रहा हूँ ये तुम्हारे बांसुरी में तो है ही नहीं, इसका थोड़ा देखो। तो 2 घंटा में बैठा, मेरा आँख खुल गया। उस दिन से आंदोलन पे मैंने वो जो फूक और फिंगर मिला के जो हम आंदोलन करते हैं, तो दरबारी कानाड़ा शुद्ध भैरव ऐसे जो राग है उसका आंदोलन, अगर चाचा जी की इजाज़त हो तो एक दो आंदोलन में मैं कोशिश करूँगा, शांत मन से, मन भी शांत होना चाहिए तो वो आंदोलन सही निकलेगा, कोशिश तो होगी। कर्ण देखिए एक भी लगाऊंगा नहीं, सिर्फ आंदोलित होगा दैवत। फिर एक नया पहलू आपका हम पूछने वाले हैं। जी जी चाचा जी, आप आशीर्वाद दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कितना मेरे दादा गुरु, मेरे गुरु लक्ष्मण प्रसाद जी, चिमोटे साहब, सबको इन्होंने उनके टॉप में जब पूरा उरूज बोलते हैं उर्दू में, उरूज मतलब एकदम जब फॉर्म में रहना, फॉर्म को बोलते हैं उरूज पे, उरूज पे बजा रहा है,
तो उस वक्त इन्होंने सुना और हम उनके चरणों में बैठ के कुछ बातें करने की हिम्मत कर रहे, सीख रहे हम लोग. दिस इज नॉट जस्ट द ह्यूमिलिटी, दिस इज ट्रूथ. वही देखो, काफी लोगों ने उनको सुना होगा, उसका मतलब नहीं कि हर एक अपनी जगह पे होते हैं. नहीं, मैं थोड़ा सा तालीम करने का शौक रखता हूँ, तो इसलिए जरा आप, आपके स्टूडेंट्स लोग यहाँ सब बैठे हैं, तो ज़रा चाय पानी करके आपकी तालीम की स्ट्रक्चरली आप कैसे करते हैं वो ज़रा थोड़ा करना है. आपका लड़का भी तो बजाता है जी, तो इसीलिए आपका जब लड़का को ही सिखाते हैं तब तो नेचुरली यू मस्ट हैव डन द बेस्ट दैट यू कैन. आई डिड बेस्ट टू माई सन एंड स्टूडेंट्स एवरीवन सो मच. एंड वो कहते हैं ना कि गुरु तो सिखाता है मगर शिष्य सीख लेता है, तो मैं तो पूरा ही देता हूँ झोली, अभी इन लोग के ऊपर कितना ले सके. तो मेरे पास जो भंडार है वो सब खुला है. जी 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 जी. मैयर के वजह से नहीं, वो लक्ष्मण प्रसाद जी उसमें बजाते थे. तो जब मैंने बड़े गुरु जी रविशंकर जी को सुनाया उसका आलाप मॉस्को में, तो उन्होंने एक बंदिश दी, जो बंदिश इतनी प्यारी है, वो बोल अंका है, मिजराब के बोल अंका, मगर वो बोल अंका कैसे बजेगा और कृतंतर कैसे बजेगा, वो उस पर भी मैंने थोड़ा मेहनत किया है. और वो एक अलग अलग रूप है. मैं थोड़ा आलाप लगना चाहता हूँ कि कितने अच्छे ढंग से बाकी श्री अंका. हाँ हाँ, फयाज सर का नाम नहीं लेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ होगा, क्योंकि वो अब लोग नहीं आए बोलते थे, अब लोग नहीं आए. मोसे चूक भाई मोरी सजनी ये बंदिश गाते थे, तो वो बंदिश भी बागेश्वरी अंकी है. मैं एक ताल द्रुत की वो बंदिश बजाऊंगा, मैं पहले थोड़ा आलाप करता हूँ. जय जयवंती बागेश्वरी अंग. एक साथ आएगा.
Mm-hmm.
से रे को बड़ा करना। Thank you.
आशीर्वाद। जी सिखाने की आपकी टेक्निक क्या है, क्योंकि हर एक गुरु अपने अपने अंग से सिखाते हैं। जी मैं इसमें थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं उसको ओल्ड स्कूल बोलते हैं, मगर वो स्कूल तो वही था, अभी तो स्कूल मुझे नज़र नहीं आता। सबसे पहले तो मैं इन पर्सन सिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए जो ऑनलाइन टीचिंग का अभी शुरू हुआ है उसमें समथिंग इज बेटर देन नथिंग जैसा लगता है कि चलो कुछ नहीं है तो कुछ है। गुरु सबसे पहले जो मेरे पास आते हैं मैं उनसे गवाता हूँ कि इसको बेसिक स्वर है या नहीं है। अगर वो सारे गामा मैं गाता हूँ सा रे गा, अगर फॉलो करके वो बेसुरा अगर है तो चिंता होती है कि इनको ऐसा साज कैसे दे, या तो कीबोर्ड बजाए जिसमें ट्यूनिंग का कुछ झंझट नहीं है, जहाँ भी हाथ डालोगे कोई ना कोई सुर तो निकलेगा। देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट प्लेइंग कीबोर्ड, कीबोर्ड हर्बी हैंकॉक इज देयर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो साज में सुर मिला के बजाना तो वो मैं करता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं बेसिक्स पे बहुत दिन गुजारना पसंद करता हूँ। अगर कोई शागिर्द बोले कि आज गुरुजी, मैंने तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैंने गुरुजी से एक ही बार ज़िंदगी में बोला विजय राघव राव जी से कि मुझे गुरुजी ये राग वहाँ बजाने के लिए आया है, क्योंकि वो बसंत ऋतु का फेस्टिवल है, तो गुरुजी मुझे थोड़ा, वो भी डरते डरते, मैं तो उनके बराबर में कभी बैठा ही नहीं, मैं तो नीचे सायन में जैसे चाचा जी बैठे वो मैं नीचे बैठता, तो वो साथ में बैठा ही नहीं। ये ईमान की बात है, बोलने की बात नहीं है, ये सत्य है। गुरु के बराबर कैसे बैठेंगे? तो और मेरे सिखाने का एक चीज़ है कि मैं जितने मेरी खास मेरी कहना तो गलत है, जो मैंने चारों गुरुओं से लेके जो विजय राघव राव जी की जो फिंगरिंग है मैं समझता हूँ कि वो यूनिक है, वो फिंगरिंग मैं बैठाता हूँ। कोमल स्वर लगाने की जो पद्धति है जो हम फॉलो करते हैं वो साइड से निकाल के जो सामने करते हैं, वो शहनाई वाला जो हरिप्रसाद जी बजाते हैं आप लोग जानते हैं चौरसिया जी, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो वो मैं बैठाता हूँ कि साइड से आप निकालो स्वर, ठीक बात है संदीप, आप सामने बैठे हैं, यही किया आपको, आप काफ़ी मेरे शिष्य बैठे हैं आज, तीन तो है ही सामने मैं देख रहा हूँ, तो ऋषिकेश मेरा बेटा है उसको भी मैंने यही किया। तो ये करने के बाद मैं अगर इस पे समय नहीं गुजारा तो मैं सिखाना पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पास फिर उनके लिए वक्त मैं देता नहीं, क्योंकि अगर ट्रेडिशनली नहीं सीखेंगे तो बाद में नुकसान होगा कि ये तान क्यों नहीं आ रही, ये राग क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और एक एक फैमिली का राग लेके मैं चलता हूँ जो एडवांस है। जब हम जाते हैं पुरिया में तो पुरिया मारवा सोनी उसको कंप्लीट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। कल्याण के प्रकार में जाएंगे तो कल्याण के प्रकार के राग का उस फैमिली के राग को देखना बहुत आवश्यक है। फिर हम जाएंगे छायानट होगा तो छायानट के नज़दीक सबसे नज़दीक क्या है, सा रे गा मा पा रे गा मा पा मा, ये मध्यम में न्यास करेगा और सा रे रे मा तू, तो ये कामोद का मामला है। तो मैं फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, फैमिली ऑफ रागास, फैमिली ऑफ रागास, और फिर इस तरीके से थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ मैं। नहीं, आपने ये कहा कि शुरुआत में जो सुर में नहीं है तो क्यों नहीं है, वो नहीं आपने पूछा?
ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कुछ लोग क्यों सुरीले होते और कुछ लोग क्यों नहीं होते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक खानदानी लड़का मेरे पास सितार सीखने आया था जी। मैंने बोला सा रे ग, वो बजाता है सा नी ध। तो मैंने कहा सा रे ग, वो बजाता है सा नी ध। मैंने बोला शकील सा रे ग बोलता हूँ, वही तो बजा रहा हूँ सा नी ध। अभी इसको ये लेवल का दिमाग वाले को भी हमने बजवाया। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि इफ़ यू फील दैट देर इज द पैशन, देर इज द सिंसियरिटी, तो फिर उसको ठीक नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, करता ही हूँ मैं। मैं फिर बांसुरी से पहले बोलता हूँ बहुत दिन गाने के लिए, एक चीज़ है कि हारमोनियम से रियाज नहीं करना चाहिए, ऐसे भी कई गुरु बोलते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि फिर उनको हारमोनियम देता हूँ मैं, हारमोनियम के साथ साथ वो सुर में आ जाते हैं, फिर हारमोनियम छुड़वा के तानपुरा। और एक चीज़ मैं करता हूँ जो बहुत डिफ़िकल्ट भी है, तानपुरा मिलाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है आजकल इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, क्योंकि सुविधा है, जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर सुविधा आदमी लेता ही है। तो मेन बात ये है कि तानपुरा मिलाना, उसमें भी जोड़ा मिलाना इतना आसान तो है नहीं, तो वो मिलाने के प्रोसेस में ही आदमी बहुत सुर में आ जाता है। तो मैं, मेरे पास जो रिकी राम जी का छोटा, घर में तो इतना जगह नहीं है, मिरज का था मेरे पास, मगर मैं तानपुरा मिलाने के लिए देता हूँ कि इसको मिलाओ, तुम महसूस करो। सुर तो फूल की सुगंध की तरह है, दिखता नहीं है, महसूस होता है। तो वो महसूस करवाते 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 वो सुर में आ जाता है, फिर बांसुरी। नहीं तो बांसुरी का इतना डेंजरस ये साज है कि बांसुरी पहले बजती है बेसुरी, फिर बजती है बांसुरी, पहले तो बेसुरी बजती है। मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जो 8 साल 10 साल का था तो उसमें बीच में बांसुरी भी बजाने का शौक किया था। तो बांसुरी ने एक दिन मेरे को ड्रीम में बोला तुम्हारा यह काम नहीं है, छोड़ दो। छोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि इट्स नॉट एन ईजी इंस्ट्रूमेंट, सांस का काम है, और जरा भी आगे पीछे उंगली हुई तो बात बिगड़ जाती है। नो दिस, और फूक का प्रेशर। थोड़ी देर की पहले मैंने आपको एक बात बोली जो आई वुड लाइक टू रिपीट, कि आपका जो गंदार पंचम लगता है वो सुरीला तो है लेकिन उसके अंदर भाव है। वो जो इधर से जो निकलती है ना जो बात, वो इधर ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए अभी खरद में आपने बड़ी बांसुरी नीचे का सावे तो आंखें बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ऐसा गाना बजाना नहीं होता है बहुत मेरे हिसाब से। अभी आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि जो जो बड़े बड़े लोग सब चले गए हैं, अभी कोई ऐसा। और ये भी तो है रोनू बाबू के, ये बड़े अच्छे अच्छे फ्लूट प्लेयर क्यों नहीं होते हैं जैसा आप है? होंगे। एक तो सबसे पहले कॉपीकैट नहीं होना चाहिए। मैं एक्सेप्ट, खास करके मैं क्लासिकल में एक्सेप्ट जल्दी हुआ, फिल्म लाइन में एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि बोले कि ये हरिजी की तरह बजाता नहीं है, तो वही कॉपी कैट चल रहा था, रमाकांत पाटिल ये वो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, तो वो लोग कॉपी कर रहे थे तो वो ज़्यादा चल रहे थे। मगर मुझे आत्मविश्वास दिया था रविशंकर जी ने, बड़े गुरु जी ने, कि बींग योर सेल्फ इन योर प्लेइंग विल डेफिनेटली गिव यू समथिंग। मैं तो फिंगर का तान कोई बजाते नहीं थे। देखिए तान बांसुरी जितना पुराना आप उठा के देखिए तो ज़्यादातर तान में आपको यही मिलेगा, तो फिंगर का तान जो जिसको नसीर अहमद खान साहब मजाक में बोलते थे तलवार कट तान है। तान छूट है, सपाट है, गमक है, और
फिर तलवार कट तान और एखारा तान। एखारा तान क्या इजी है? एखारा सोचते हैं लोग बंगाली वर्ड है, मगर एखारा से एखारा, एखारा बंगला में एखारा बोलते हैं। तो एखारा तान वो पड़ाल की तरह है, आप पड़ाल बजाते हैं महाराज जी का, पड़ाल कभी रुकता है? एक बल से दूसरा बल निकलता ही जाता है, चाहे एक घंटा पड़ाल ये चलता ही रहता है। तो तान में भी ऐसे ही है। तो जो बांसुरी के साथ साथ गाने का पूरा अध्ययन, पूरा सब्जेक्ट को देखेंगे तो अच्छे बांसुरी वाले भी निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। वो सिर्फ बांसुरी को ही देख रहे हैं कि ये बांसुरी एक यंत्र है, वाद्य है, पूरा संगीत तो नहीं है ना। संगीत का तालीम लेना है, सिर्फ बांसुरी का तालीम क्यों? संगीत का तालीम लेना है, तबले का तालीम लेना है। मैंने तबला भी सीखा, गाना सीखा, हारमोनियम सीखा, सितार आपके सामने बहुत बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, बहुत डरते हुए कि मैंने थोड़ा सितार भी सीखा है, क्योंकि मुझे शौक है कि मैं देखूँ कहाँ से क्या मेड़। तभी मैं अरेंजर भी हूँ, जो फिल्म में अरेंज करते हैं, बीच का म्यूजिक बनाते हैं, तो सितार वाले बैठे हैं स्वीकार भाई, तो बजाता हूँ तो आप लोग को शक हो जाता है कि सितार वाला है ये, क्योंकि मैं बोल देता हूँ इन लोगों को कि यहाँ से ये खींचोगे तो आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। तो ये शौक है, आप शौक रखिए पूरे म्यूजिक का। तो जैसे चाचा जी का प्रश्न है, अच्छे बांसुरी वाले निकलेंगे जैसे अच्छे सितार वाले निकल रहे हैं, अच्छे वोकलिस्ट निकल रहे हैं, तो फ्लूट क्यों नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। आप मुझे तो सुनने का बहुत शौक है आपको, तो कुछ आप लाइट म्यूजिक बजाते हैं तो कुछ? मैं तो बनारस संघ से बहुत बजाया मैंने, और पिछले 50 साल में बहुत कुछ हुआ, और मैं सब घराने से जैसे लिया, बांसुरी में कोई पंजाब प्योर बजाते नहीं थे, तो मैं पंजाबी बोलता भी हूँ, और भाई साहब से शुरुआत होने ही वाली थी मगर फिर हुआ नहीं, पंजाबी मैं प्योर बोलता हूँ। तो एक जगह पहाड़ी मैं बजा रहा था, तो वडाली साहब बैठे थे अमृतसर में, तो बोले इस बंगाली नू वेखो, एदी हिम्मत वेखो, बंगाली है तो मैनू सुनाया इन्हें 45 मिनट्स पहाड़ी पंजाब स्टाइल दा, पंजाब अंग विच, मैं पंजाबी में उन्होंने स्टेज पे आके कहा। तो मैं ऐसे ही, बलदेव सिंह जी एक थे जलंधर में रहते थे, तो उनसे एक टप्पा मैंने सीखा था, और कैसा बजेगा मुझे मालूम नहीं, मगर है बड़ा मुश्किल वो। तो मैं पहले एक टप्पा सुनाऊं, इसका जो बल है वो मुर्की खटके से भरा हुआ है, मगर मैं पहले जो खमाज में आलाप करूँगा थोड़ा बनारस का रंग पहले दिखाऊँगा। जो महादेव प्रसाद मिश्रा जो ठुमरी सम्राट थे बाबा, वो खमाज को कैसे देखते थे, जरा देखिए दो नी का कैसा प्यार उनके मन में।
जब हम मिश्र समाज का हमसे जाते हैं तो खैर ये देखिए धारा आपका है मुश्किल था ऊपर वाला लाज रखे इज्जत रखे जरूर मैं रफत खान बहुत बहुत मज़ा आ रहा है सबके बहुत हाँ जी हाँ रफत भाई से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है काफी अरसा हो गया और हम लोग साथ में तेजपाल में बजाए भी जी जी, जी और पंडित जी के शागिर्द हैं और बहुत हमारे खास दोस्त हैं जी तो मैं ये कह रहा था कि आपने ज़्यादातर तो सुना है कि जो उसको मींट के हिसाब से काफ़ी बजाया जाता है इसके अंदर लेकिन आपने जो सुर बजाए खड़े सुर बजाए काफ़ी जी खड़े सुर बहुत मुश्किल है बांसुरी में बजाना वाह वाह वो एक एक रियाज से ही ऑफकोर्स आता है रियाज जितना आदमी करेगा तो उससे कंट्रोल आता है लेकिन आपने इतने खूबसूरती से बजाया तो वो कैसा है किस तरह से उसको किया जाता है उसको या तो फूंक से करते हैं या सुर आप जो बजाते हैं उससे होता है वो दरअसल बहुत ही फ्लूट स्टूडेंट प्लीज लिसन टू वॉट ही इज सेइंग दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इवन फॉर मी फ्लूट में खड़े स्वर लगाना तलवार के धार पे चलने जैसा है ईमान से मैं कह रहा हूँ हाँ एकदम फ्लूट में इसीलिए कि खास करके क्योंकि फ्लूट के जो फूक का प्रेशर बार बार चेंज होता रहता है तो इसीलिए पहले जब तालीम के लिए चाचा जी ने पूछा तो मैंने
ये बात बोलना मेरा रह गया कि मैं खड़े सुर बहुत रियाज करवाता हूँ, और वो मेरा बोलना रह गया खड़े स्वर में। नहीं तो क्या होता है कि अगर जो हमारा गायकी अंग मुरकी खटका ये सब आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोग को मैंने एक्सटेंडेड मुरकी एक मैंने नया निकाला है, तो एक्सटेंडेड मुरकी बोलने से सनेरे सनेसा निसारे सारे सा निसारे सारे सा, तो ये सब होगा, मगर सबसे पहले खड़े स्वर का रियाज बहुत करने से सुर इतने पक्के हो जाते हैं कि फ्लूट में क्या होता है गा लगाना है तो रे से जाएंगे तो इजी हो जाता है। अभी डायरेक्ट गा लगाओ है कि खड़े स्वर का इतना रियाज करना चाहिए कि फिर मीड करो तो वो मीड में शुद्धता भी सा दो तरीके का है सा गरे मगा पमा दबा सा रे सगा रे मगा बा ये नीचे का, तो ये असली गायकी में सा रे मगा बा ये करेंगे तो वो गाने के जैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो वो शुद्ध नज़र आएगा, नहीं तो उसमें थोड़ी मिलावट होगी क्योंकि शुद्ध खड़े नोट के रियाज तो किए ही नहीं है तो कैसे आएगा। ये अभी आपके रियाज से ही संबंधित, अभी आपने अश्विन दलवी फ्रॉम जयपुर, अभी आपने चिल्ला का जिक्र किया, मेरे ख्याल से बहुत सारे युवा आगे चल के भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए कि चिल्ला में आपका रूटीन आपकी दिनचर्या क्या होती थी। चिल्ला जो होता है एक आसन होना चाहिए फिक्स, ज़्यादातर कुश आसन होना चाहिए और सिंगल आदमी का बैठने का, तो चिल्ला में एक चीज़ बजाना चाहिए जो आपके गुरु बताए, गुरु जो बताएगा वो चिल्ला करना अच्छा होता है कि जिस चीज़ में आपको साथ लेना है कि ये मेरा ही चीज़ बन जाए। अभी स्वपनदा को बोलते हैं तो बोले धीरधीर का बादशाह है, तो धीरधीर के नाम से स्वपनदा हो गए, ये नाम से ये हो गए, तो वो उन्होंने ज़रूर उसका चिल्ला मारा होगा कि वो सिद्ध हो गया। परफेक्शन के ऊपर आती है सिद्धि, असर क्यों नहीं होता, इतना बजा रहे असर नहीं हो रहा है, असर गुरु बताएगा रास्ता, उस्ताद बताएगा रास्ता कि असर कहाँ से आएगा, वो असर जब पैदा होगा एक एक नोट पे सच्चाई होगी तो वो असर आएगा। तो चिल्ला में बाकी सारा दिन उसी मूड में रहना चाहिए और कोई खास उसमें ये नहीं है, जब 40 दिन का चिल्ला होगा तो बाकी समय भी आप रियाज कर सकते हैं दूसरे चीज़ों का, मगर जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, अगर मैंने तो चिल्ला एक और मारना चाहिए मुझे, मैंने बनारस में जगह भी देख के आया हूँ जहाँ चिल्ला मुझे मारना है, तो चिल्ला करना या चिल्ला मारना ये पुराने शब्द है, तो तीव्र मध्यम का तो चिल्ला मैंने मारा ही है, तो अभी भी तीव्र मध्यम का कॉन्फिडेंस बहुत रहता है मुझे कि अगर मैंने रजनी रजनी रे नी दवा माँ तो दवा माँ वैसा ही निकलेगा जैसे रेसानी सनी निकला, उसी इंटेंसिटी के साथ आएगा, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा, इसका एक कॉन्फिडेंस मुझे है क्योंकि चिल्ला मारा है। तो चिल्ला का सिस्टम तो यही है कि एक चीज़ का चिल्ला मारो और उसको ऐसे कर दो कि वो फिर तुम्हारे हाथ से ही निकले, औरों के हाथ से भी निकलेगा मगर जब तुम बजाओगे तो उसका असर ऐसा होगा कि चिल्ला कुछ दे के जाएगा, ले के नहीं जाएगा, दिएगा ज़रूर। रिपीट माई सेल्फ इफ यू डोंट माइंड, चिल्ला जैसे करते हैं और बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, खास साहब से भी बहुत हमने सुना है, लेकिन ये सब तरीके के ऊपर है,
जी तैयार कैसे करना, गले की तैयारी कैसे करना, हाथ तो सितार पे कैसे चले जाना। अब ये सुल्तान भाई के गुलाब खान साहब उनके बाबा मेरे को कह रहे हैं कि 5,000 पलटा बजवाता हूँ उसको टेरेस पे बैठ करके, और इसमें 2,000 बजाने के बाद एक गलती किया तो फिर नंबर एक से शुरू करो। सो तो कहने का मतलब क्या था कि एक ज़माना ऐसा मैंने देखा है 75 years बैक के, ये तरीके के ऊपर बहुत बहुत ध्यान है सुबह उठकर, लेकिन बाबत के ऊपर आई डोंट फाइंड वर्थवाइल और ऑलमोस्ट नील अटेंशन। अभी कई लोगों को पूछा कि भाई ऐसा क्यों, बोला अब्बा करते थे हम करते थे ऐसा क्यों, क्या मतलब क्या है कि सिचुएशन ही है कि उस्ताद लोग पंडित लोग जो सिखाते हैं वो अटेंशन तरीके के ऊपर ही है, ऐसा दैट इज माय पर्सनल फीलिंग। यू एब्सोल्युटली व्हाट यू आर सेइंग इज ए ब्रह्म वाक्य, और यही सत्य है, और यही सत्य से म्यूजिक चलेगा, और इसी सत्य के ऊपर हम लोग चलेंगे। परंत बहुत बड़ा चीज़ है आप लोग के तबले में, जब आप सोलो बजाते तो जो आप बजाते वो पढ़ंत करना नहीं आए तो बजेगा नहीं। हम वोकल पे इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं, जो भी शागिर्द आए या मैं खुद, हम जरूर ऐसा तो नहीं गा सकेंगे जैसा कि हमारी बहन गाती है, क्योंकि हम गायक नहीं हैं, हमारा उतना रोज का गाने का रियाज नहीं है, मगर गाना सीखने से ये होगा कि मेरे पास शब्द नहीं है, मगर अगर मैं बजा रहा हूँ मोरे मोरे मंदिर अजहू नहीं आए, ये थोड़ा वायलिन भी मैंने सीखा है, तो टा 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 टा, तो जहाँ जहाँ पे शब्द आएंगे वो शब्द को आप लगेगा कि कोई गा ही रहा है, तभी तो होगा। अगर गाना नहीं सीखेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा। देखिए ना, तीन टन लगा, अगर मैं अभी कैसे लग रहा है, मोरे मंदिर तो आया ही नहीं, अभी आएगा मोरे मंदिर, कामों से चूका भाई मोरी सजनी, सजनी आ गया। तो वोकल जब आप गाएंगे तो आपको वो जो अवयव एक शब्द है हिंदी का बहुत शुद्ध, तो उसके जो डिटेल्स होते हैं वो कभी कभी वही उत्तम गाना मध्यम बजाना वाली बात। हाँ, मैंने कई बार बिस्मिल्ला खान साहब के घर एक बार गया तो वो बोले कि भानु दादा का बिटवा हो बनारसी में, बोले तो बांसुरी हो तोहरे पास बनारसी में, हमको बोले बोला है चाचा है, तो बोले कोमल रे लगी है तो सबके आंख में आंसू आई। तो कोमल रे आज तक पीलू जब बजाता हूं तो खान साहब की याद आ गई। मैं एक फ्रेज बजाऊं, मुझे मालूम है समय तो हो रहा है, कोमल रे में खान साहब को थोड़ा याद करेंगे कि खान साहब कोमल रे कितना रुक के लाते थे, रुकने से लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ऐसे कोई सुर आएंगे जो शायद मुझे ज्यादा मजा देंगे लोगों से ज्यादा। तो पीलू है देखिए, रुला के निकल जाएगा।
इसके बाद कुछ बोल नहीं सकते. बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर. अभी इसको हम ट्रेन कर रहे हैं धीरे धीरे. मेरे को तो जाने का टाइम आ गया अभी तो. धीरे धीरे तालीम ले लें तो कल उठ करके चालू रह सके बैठक. आप सभी प्रार्थना करिए, हम भी करेंगे दुआएं और प्रार्थना कि चाचा जी बहुत बहुत सालों तक ऐसे ही हम सबको सिखाते रहे. और हम लोग क्योंकि फिर हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है और ऐसे ही हमें मिलता रहे. अभी जाने की बात मत करिए, आप बस रहिए और आशीर्वाद दीजिए तंदुरुस्ती के साथ. तंदुरुस्ती के साथ ये बात हुई ना. मेरा ख्याल है उस बात से आगे बढ़े उससे अच्छा तालियां बजा करके आज का. जय गुरु.